नहीं, आप सब लोग जानते हैं जो पोस्ट आया है, लालू जी ने जो लिखा है, बहुत खुशी की बात है। 2004 में जब रेल मंत्री बने थे और पहला यूपीए की सरकार थी, तो उसमें लालू जी ने बिहार को कई कारखाने रेलवे का दिया था, उसमें से एक दरियापुर का पहिया कारखाना था। आज खुशी की बात है कि उस कारखाने से जो है लगभग 2 लाख पहियों का जो है उत्पादन जो है किया जा रहा है। और उस समय लालू जी जब थे मंत्री, तो उनके सहयोग से, उनकी इच्छा शक्ति से लगभग जो है बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया था तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का। लेकिन आज दुख की बात है कि जो मौजूदा जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 11 साल चल रहा है, बिहार को एक भी कारखाना नहीं दिया, ना स्पेशल पैकेज दिया। विशेष राज्य का दर्जा की बात थी, वो विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया। लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया था, हर बजट में किराया कम करते थे, देश विदेश से लोग उनसे पढ़ने आते थे। आज रेलवे का बजट आता है तो रेलवे को एकदम ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आज रेलवे की स्थिति, अब इतना महंगा टिकट मिलता है, ट्रेन समय पे चले ना चले लेकिन एक्सीडेंट समय पे होता है, इसलिए रेलवे का बजट से भी ख़त्म कर दिया गया। तो आज लालू जी ने इस चीज़ को लिखा है कि बिहार में चाहे मनरेगा हो, हमारे दल के नेता रघुवंश जी थे, ग्रामीण सड़कें थी, लाखों के विषयों में जो है लोग गांव गांव में जो है सड़कें दी गई, तो बहुत काम उस दौरान हुआ। लेकिन आज जो है 39 सांसद 19 में जीते, 30 सांसद अभी जीते हैं, मंत्री बने, लेकिन कुछ भी बिहार के लिए लोगों ने नहीं किया, ठगा है एनडीए के लोगों ने।